जेडीयू में प्रशांत किशोर के दिन गिनती के बचे हैं। संकेत है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। इसी वजह से प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के आवास पर होने वाली पार्टी के बैठक में नहीं बुलाया गया। नीतीश कुमार के आवास पर होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी सांसदों और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। पार्टी की जरूरी बैठक से प्रशांत किशोर को किनारे लगाना इस बात की संकेत है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। माना जा रहा है कि CAA के खिलाफ लगातार बयान देने के कारण पार्टी असहज महसूस कर रही है। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर को चुप रखने को कह चुकी है। जाहिर है कि प्रशांत किशोर को बैठक से दूर रखकर नीतीश ने अपने इरादे जता दिए हैं कि आगे वे क्या करने वाले हैं। जेडीयू ने जब से बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला किया, तभी से पवन वर्मा और प्रशांत किशोर के बोल और तीखे हो गए। इसी वजह से पहले पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से इन दोनों का नाम हटा दिया। हालांकि तलखी की वजह से पीके राजगीर में हुई पार्टी कार्यकर्ताओं की दो दिवसीय बैठक से भी दूर रहे थे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार NDA में ही बने रहना चाहते हैं, जबकि प्रशांत किशोर और पवन वर्मा टाइप जनाधारहीन नेता NDA से नीतीश कुमार को दूर रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।